डीसी पुंछ हाय हाय, डीसी पुंछ हाय हाय, एक्सिन पुंछ हाय हाय, एक्सिन पुंछ हाय हाय, डीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हाय हाय, डीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हाय हाय, डीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हाय हाय, डीसी पुंछ हाय हाय, एक्सिन पुंछ हाय हाय। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये देखिए नक्का टू जो हरनी रोड है, यहाँ पे इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है पिछले दिनों बारिशों की वजह से। मैं कहता हूँ कि गाड़ियां तो गाड़ियां, यहाँ पे गधे भी नहीं चल सकते हैं। मैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ है, स्पेशली एक्सिन पुंछ, पीडब्ल्यूडी एंड आरएनबी पुंछ से पूछना चाहता हूँ, ये जो नक्का के लोग हैं, इतना बड़ा गांव है, लगभग 10,000 की आबादी है, यहाँ इसी रोड से लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन इतने इतने बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं कि यहाँ पे गाड़ियां, आज सुबह एक गाड़ी जो है वो यहाँ पे उलट गई, जिसका यहाँ पे बेचारे का लाखों का नुकसान हो गया है और यहाँ पे कोई भी गाड़ी चलने के काबिल नहीं है। मैं इमीडिएट डीसी पुंछ से ये गुजारिश करता हूँ और एक्सिन पुंछ से कि इस पे जो इसके गड्ढे भरे जाए और इसको मैग्नेटाइजेशन की जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो चुकी है, गाड़ियां चलने के काबिल नहीं है, ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सुबह से। लोग आप देखेंगे, बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए गाड़ियों में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे रोड ब्लॉक्ड है पूरी तरीके से। तो अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम हरनी चौक, हरनी बाजार बंद करेंगे, मेट्रो बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे हम लोग। ये तानाशाही हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसका उल्टा हिसाब, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई भी पुरस्ताने हाल नहीं है, इन लोगों का कोई दर्द दुख समझने वाला नहीं है। रोड की इतनी बुरी हालत है, नालियां टूटी हुई है, और ये आप 2 मिनट के लिए यहाँ पे देखें जरा, इतनी बुरी हालत, यहाँ पे इंसान चल सकते हैं या गाड़ियां चल सकती हैं? तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये लोग सिटीजन हैं या हिंदुस्तान के सिटीजन? समझते हो आप इनको? अगर समझते हो तो इसका फौरी तौर पर इसका जो है रिलीफ दिया जाए और इसके खड्डे भरे जाए। बिल्कुल दिया जाए, बिल्कुल दिया जाएगा। डीसी साहब आप सुने, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं ये रोनी हालात क्या है, किसी को चकना ही नहीं है, क्या हिंदुस्तान के आदमी है? बिल्कुल, ये जनाब जब इसके साथ इकट्ठे हुए हैं, ये जो मसला है हमारा हल किया जाए, नहीं तो हम मेंढर यादगार चौक में धरना देंगे, उसके जिम्मेदार डीसी पुंछ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सिन पुंछ होगा। ये लोग 4 दिन से परेशान हैं।